हेलो, हमारे हिंदुस्तान में लोगों के टैलेंट की कदर होती है, हमारे टकलों की कदर है। ओए पहचान तारीफ समझती क्या अपने आप का? हमसे जबान लड़ाएगी तू? हमसे जबान लड़ाएगी? बोल भाई, बात करती है, आंखें नीचे कर, आंखें नीचे करके बात कर भाई, आंखें नीचे कर बात करती हमारे सामने। और क्या हंस रहा है तू? हंस कर रहा है इधर से, इधर आ, हंसता है हमारे सामने भाई, भाई हंसता है हमारे सामने भाई, हंसता है, हंसता नहीं, आंख नीचे करके बात कर, आंखें नीचे चाहिए तेरी सर। और एक मिनट, तेरा गुस्सा कम ही होता जा रहा है दिन ब दिन। आता, नाम क्या तेरा? सर आता। गदा भाई को बोलती है? थप्पड़ मारो सर। गदा किसको बोल रही है तू? क्या तुझको गदा बोलेगी तू? चूहिया एक नंबर की गदा बोलेगी हमको? नाम बता अपना, चल नाम बता, जल्दी बोल, बोल डर बता, बाप का नाम बता, बाप का नाम बता। बाप पे नहीं जाना, डोली बेंद्रा बैठी है, बाप पे नहीं जाएगा कोई। क्या करने आई है इधर तू? ये नाम जो बताया तूने अदा, ये किसका है? तेरा? ये किसी का नहीं हो सकता कमीना, ये तेरा कैसे हो गया? क्या बोला? एक मिनट लड़की, ए क्या समझे? एक मिनट, क्या करने आई तू यहाँ? पहले मैंने पकड़ा, पहले मैंने पकड़ा। इधर आके खड़ा हो, इधर आ जरा। क्या समझे अपने आपको? क्यों समझती है? आंखें नीचे। सर, नीचे। अरे आप तुम खुद ही ऊपर देख रहे हो यार, तो बता नहीं सकते मेरे को? क्यों मेरा अकेले का नहीं बताना पड़ेगा? अरे कर कह रहे, तुम्हारा गुस्सा दिन ब दिन कम होता जा रहा है। सर वो मैं क्या, फॉर्म पे क्या लिखा था तूने? फॉर्म पे क्या लिखा है? रोडीज बनने के लिए क्या क्या कर सकती हो तुम? सीधा सीधा जवाब दो। सर मैं रोडीज बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। भाई भाई, जाके दूध लेके आ भाई, मैं कह रहा हूँ जाके दूध लेके आ। भाई क्या बात कर रहे यार तुम? जाओ केसर लेकर आओ भाई। अरे यार, अरे नेशनल टीवी पे क्या बोल रहे भाई? अरे नेशनल टीवी पे मैं खीर नहीं बना सकता क्या? क्या बकवास किया जा रहा है इतनी देर? सिद्धू जी, रेडीमेड, अपना खून असल में अपना खून होता है। हाय रब्बा, मेरे को सरप्राइज देने के लिए दूल्हा भी तैयार कर दिया। अरे कर लो ना, तेरे को रेडीमेड दुल्हन मिल रही है, तेरा क्या जा रहा है? क्या ये दुल्हन है? ध्यान से गौर से देखो इसको सिद्धू भाई, ये दुल्हन लगती है? दुल्हन होती है नाजुक सी, जो स्वागत से पहले ना घूंघट को ऐसे करती है, ऐसे करती है, इसलिए तो डंड बैठ के मारने शुरू कर देनी है। शक्तिमान को साड़ी पहना कर ये मेरे को दुल्हन बता रही है। इसे मेरी शक्ति का कैसे पता चल गया? शक्ति का कैसे पता लग गया? मेरी बुआ के बारे में इतना कुछ कैसे पता? मैं अकेला जानता हूँ, सारे जानते हैं, चाचा चौधरी के जमाने की ये। चाचा चौधरी का मेरी बुआ से क्या लेना देना बे टुल्लू? इसके इसको गंजा करवाओ, कानों में कुंडल बुलाओ, बिल्कुल साबू लगेगी ये। तलवार मार दूंगा, घर में चलाना नहीं मेरी बात सुनो, घर में और भी कस्टमर्स है। कोई कस्टमर नहीं है, कोई कस्टमर नहीं है। तुम लोग घर के मेंबर को ये सारा ऑफिस बनाकर लूटते हो, ये तुम कहते हो कस्टमर है? आ जाओ तुम दोनों। वापिस कराओ। एक मिनट, एक मिनट, राहुल भाई, राहुल नहीं, अरे इतना कॉमन नाम है, सुना नहीं? कौन लगता है ये तेरा? मेरा पति है। बकवास औरत है ये, अपने बाप को ये पति बोल रही है? मेरे को क्या मारा भाई? खबरदार, तूने मेरी
तूने मेरे बिट्टू को फ्रॉड बोला। एक मिनट मैं बताता हूँ। देखिए आपकी जब टिकट हुई गुस्सा मत करिए, मैं फिर डर के मारे मेरा झूठ निकल जाएगा। एक पंजाबी आदमी ना घोड़े पे बैठ के बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा अगर ये मुद्दा सब पंजाबी में लागू हो जाए, मैं पंजाबी आप पंजाबी ये पंजाबी हमारे पीएम साहब पंजाबी हैं, तो सोचो कैसा लगे सिद्धू पाजी घोड़े पे शूटिंग पे आ रहे हैं। तो मैं सिद्धू पाजी को फोन करूंगा, पाजी कहाँ हो? अरे यार ये कैसा घोड़ा दे दिया तूने, करेक्टर लूज घोड़ा, और रास्ते में किसी की बरात जा रही है, घोड़ी सजी हुई देख के वहीं पे बिफर गया यार। घोड़ा लाइन मार रहा। घोड़े ही लाइन मारते हैं। तो अजय बाजी तो सा सा अजय ओ सा सा हाउ यू सा हाय हाउ यू सा हु आर यू सर माइसेल्फ सर आई एम मिथिलेश सर सर मुझे आपसे एक एडवाइस चाहिए थी सर, मेरे को पता चला कि आप इधर आए हुए हैं सर, तो इसके लिए मैं इधर आ गया सर। सर बेसिकली क्या है सर, मुझे अनशन करना है सर, तो आई जस्ट वांटेड योर एडवाइस सर कि अनशन करने के लिए ना सर मतलब जो बेसिक प्रेपरेशन है सारी की सारी ना सर वो तो मैं कर चुका हूँ सर, यानी कि मैंने पंडाल भी बुक कर दिया है सर, साथ में मैंने सर एक गजल सिंगर भी बुक किया है, साथ में एक रॉक बैंड भी बुक किया है सर मैंने, सर उसके साथ साथ दो मैंने आइटम डांसर्स भी बुक कर लिए हैं सर एंटरटेनमेंट के लिए। सर उसके अलावा सर एंटरटेनमेंट में सिर्फ उतना नहीं है सर, सर मैं खुद भी डांस करने वाला हूँ। पंकज सर आप ज्यादातर शराब पे गाने बनाते हैं ना? नहीं ऐसी बात नहीं है सर, ज्यादातर नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, फिर हमने पी के सुने होंगे। आपने सच बात बता दी, पोल खोल दी। एक्चुअली मैं सर इनके चार गाने बैक टू बैक सुन लो आपको हैंगओवर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर कभी ऐसा नहीं हुआ आपको किसी शराब की कंपनी ने अप्रोच किया हो कि यार अपने गानों में हमारे ब्रांड? मैंने उसूल के तौर से मैंने टबैको और शराब को कभी प्रमोट नहीं किया मेरी जिंदगी में। इन्होंने हमेशा कहा है थोड़ी थोड़ी पिया करो। मुझे जलंधर से फोन आया कि साहब एक लड़का है यहाँ पे, वो कितने दिनों से आपका एक गाना सुन रहा है। उसने क्या किया था, कैसेट को रिपीट पे डाल दिया हुआ था, उसकी एक छोटी सी दुकान थी, तो सुबह जब दुकान खोलता था तो वो गाना शुरू करता था और रात में जब दुकान बंद करता था तब बंद करता था। क्या बात। तो अगल बगल वाले जो थे सुन सुन के परेशान होने लगे कि भाई अब कोई दूसरा गाना भी बजा दे। ये क्या सुबह से यही चला हुआ। आखिर में ये हुआ कि लोगों ने जाके जलंधर के मेयर को कंप्लेन की कि साहब आप कोई रास्ता ढूंढिए कि भाई ये बंदा ये सुनना बंद करे। तो उसने कहा कि भाई मैं ये गाना सुनना उस वक्त बंद करूंगा जब पंकज उदास खुद आएंगे और इसको बंद करेंगे। क्या बात है। तो मैं जलंधर गया खास यहाँ से, वहां जाके मैंने जब वो उसके टेप रिकॉर्डर का स्टॉप बटन दबाया तब उसने वो गाना सुनना बंद किया, लेकिन उसके साथ साथ उसने एक लॉग बुक रखा हुआ था कि आज दिन में कितनी बार सुना। अब वो इतने लंबे अरसे से सुन रहा था कि उसने वो गाना 60,000 बार सुना। क्या बात है। सुपर। और आज भी उस लड़के का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है फॉर अ वेरी अनयूजुअल रिकॉर्ड के भाई कोई बंदा एक गाना 60,000 बार क्यों सुनेगा। प्यार करते हैं लोग आपसे सर। आपको है बिल्कुल मेरा भी एक गाना आदमी बहुत सुनता है, एक आदमी वो भी पंजाब में था। सुबह से शाम सुन रहा है। तो उसको एक हफ्ते बाद किसी ने कहा क्या बात है तुम यही गाना सुनते रहते, कहते जब तक अनूप जलोटा ठीक से नहीं गाएंगे अभी। अमेजिंग। एप्पल जूस है? एप्पल जूस नहीं है, वो क्या है कि हम जो पंजाबी है ना हमको दारू पीने के लिए गाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम किसी भी बात पी लेते। ओए मान गई ओए पी लो, ओए छोड़ गई ओए पी लो, ओ मम्मी ने भिंडी बनाई पी लो। हम तो अगर एक पैक ज्यादा पी लेना गलती से तो एक और पी लेते, ओए स्टैमिना बढ़ गया ओए। अरे मियां इसी पर एक शेर कह देता हूँ, चलो सर प्लीज इरशाद। के नशा नशे के लिए है अजाब में शामिल,
सर है ना। वाह 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 वाह, क्या बात है। नशा नशे के लिए है अजाब में शामिल, अरे किसी की याद को कीजिए शराब में शामिल। आए, आए, आए। अरे ये क्या चीज है भाई। ये क्या चीज है भाई, तू क्या चीज है। हाँ सही बोले, तू क्या चीज है। कटहल है ये, गांवों में उगता है बहुत। पर ये कटहल किसका है भैया? ये मोटी और भेडंगी चीज को कटहल कहते हैं क्या? पीछे हटिए, पीछे हट जाइए और इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। कटहल चोर, कहाँ कहाँ ढूंढा हमने अपने कटहल को। आपने कटहल को गोद लिया है क्या ब्रदर? ये कटहल का सीन क्या है? एक कटहल के लिए इतने बड़े स्टार्स यहाँ पे आए हैं। कटहल हमारा स्टार है, कटहल हमारी अगली फिल्म है। ओ, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सानिया मल्होत्रा और अनंत के लिए। गाइस आज का न्यूज पढ़ा क्या? क्या भाई, न्यूज में लिखा है कि दिन दहाड़े एक डाकू ने किया 4 लोगों का कटहल। नहीं 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 नहीं, पुनीत भाई पुनीत भाई पुनीत भाई, उसे कटहल नहीं कटल बोलते हैं। नहीं नहीं, आज तो सिर्फ कटहल ही होगा, सब कुछ कटहल ही होगा। कोई समस्या भी आई ना तो हम हल नहीं ढूंढेंगे, कटहल ढूंढेंगे। हाँ। हमारी मार्केटिंग टीम ने तगड़े पैसे दिए हैं आपको लगता है। समस्या क्यों होगी, हम तो कटहल लेकर जा रहे हैं। भाई इनको बता दो, लोग आते अपनी मर्जी से लेकिन जाते हैं हमारी मर्जी से। कोई जबरदस्ती है क्या? हम जा रहे हैं, चल चल। जबरदस्ती तो है। नहीं कटहल को कुछ मत करो, कटहल को कुछ मत करो। अगर हिलने की कोशिश की तो आपके कटहल का कत्ल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, गेम खेलेंगे कि नहीं? जरूर खेलेंगे। टॉर्चर होगे कि नहीं? देखिए जो गेम है ना, उस गेम में अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है। करेक्ट। तो आपको एक दूसरे को अपनी भाषा समझानी है। ओके, दीज आर डेंचर्स। तो आप लोगों को ये पहनना है। How do I put this? ये वाला पार्ट भी जाएगा, नीचे वाला पार्ट भी ऊपर जाएगा। सानिया,